Hello students, myself Payal Agarwal. In this video, we will do the exercise work of lesson number 5. Fill in the blanks. First है आपके fill in the blanks. Logo is a simple computer language. Two parts of logo command are primitive and input. ठीक है, primitive and input. लोगो हैज अ ट्राइंगल शेप टर्टल. लोगो में क्या होता है, ट्राइंगल शेप टर्टल होता है. ओके, नेक्स्ट है आपका आरटी कमांड टर्न द टर्टल टुवर्ड द राइट साइड. ठीक है, आरटी कमांड क्या करती है, टर्टल को राइट साइड टर्न करती है. देयर आर टू मेथड टू डू अर्थमैटिक इन लोगो. नेक्स्ट है आपके मैच. पी यू पेन अप. एस टी हाइड टर्टल. ST show turtle. CS kill. PE pen erase. Okay. Next है आपका write T for true and F for false statement. Set command turn the head of turtle in any direction. True. ये ठीक है. Clear screen and clear up the drawing screen. True. Drawing a polygon is difficult with logo. False. Use a circle shaped turtle. False. Repeat is the useless command in logo. False. Useful command होती है repeat. Print command is to display the text on the main screen. True. ठीक है. Next है आपकी picture study. आपको क्या करना है, राइट द लोगो कमांड टू ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर. आपको फॉलोइंग फिगर ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी लोगो कमांड यूज करेंगे. अ स्क्वायर विद द साइड 30 यूनिट. एक आपको स्क्वायर बनाना है जिसकी जो साइड 30 यूनिट्स की है. तो रिपीट 4. आप स्क्वायर के 4 साइड होती है, तो आप रिपीट 4 एफ टी 30 आर टी 90. ठीक है, इस कमांड्स को अगर आप राइट करते हो तो आपका स्क्वायर ड्रॉ होगा. नेक्स्ट है पॉलीगॉन 7 साइड. तो यहाँ पर साइड ही है. पॉलीगॉन के लिए आप 51 आर टी यूज करेंगे. रिपीट 7 एफ डी 60 आर टी 51. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज लोगो. द लोगो इज अ सिंपल कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, आंसर राइट करेंगे आप. द लोगो इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ टू मेन पार्ट्स ऑफ अ लोगो कमांड. टू मेन पार्ट्स ऑफ लोगो कमांड्स आर एंड इनपुट. ओके, प्रिमिटिव एंड इनपुट. नेक्स्ट है आपका राइट द यूज ऑफ फॉलोइंग लोगो कमांड. पी यू कमांड का क्या यूज होता है. It is used if you want to move the turtle without drawing a line. आप बिना लाइन ड्रॉ किए टर्टल को मूव करते हो, उसके लिए आपको PU कमांड का यूज करना होता है. ठीक है, इट इज यूज्ड इफ यू वॉन्ट टू मूव द टर्टल विदाउट ड्रॉइंग अ लाइन. ओके, ST hide turtle. It is used for hide the turtle. Turtle को hide करने के लिए हम ST command का use करते हैं ना. CT clear the text of the commander window. Of the commander window. ठीक है, commander window में text को आपको clear करना है, तो आप CT command. ठीक है, next है आपका home. Bring the टर्टल टू इट्स होम पोजिशन. ठीक है, होम पोजिशन पर लाने के लिए टर्टल को हम क्या करते हैं, होम कमांड का यूज करते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज रिपीट कमांड. रिपीट कमांड इज यूज्ड व्हेन अ कमांड इज यूज्ड सेवरल टाइम. अगर आपको किसी कमांड को सेवरल टाइम यूज करना है, तो आप इसका यूज करते हो रिपीट कमांड का. सेट कमांड हेल्प टू टर्टल टू टर्न इन एनी डायरेक्शन विदाउट यूजिंग एल टी और आर टी कमांड. ठीक है, ये आंसर है आपका इसका क्वेश्चन 5 का. सेट कमांड हेल्प्स द टर्टल टू टर्न इन एनी डायरेक्शन विदाउट यूजिंग एल टी और आर टी कमांड. नेक्स्ट है आपका हाउ शुड बी गिव प्रिंट कमांड इन लोगो. लोगो में प्रिंट कमांड का कैसे यूज करते हैं हम.
पहले आप राइट करेंगे प्रिंट, फिर आप ब्रैकेट, उसके बाद टेक्स्ट राइट कर दीजिए। जो भी आपको टेक्स्ट राइट करना है वो टेक्स्ट राइट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल है, आपको राइट करना है आई एम अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट है तो आपको राइट करना है आई एम अ स्टूडेंट, प्रिंट आई एम अ स्टूडेंट, जो भी टेक्स्ट है वो राइट कर देते हैं हम ब्रैकेट के अंदर। ओके, नेक्स्ट है, वट कमांड विल यू गिव टू प्रिंट द सम ऑफ 20 and 80 इन लोगो। आपको 20 और 80 को क्या करना है, लोगों में ऐड करना है, सम करना है इनका। तो आप कौन सी कमांड लेंगे, PR सम 20 80। PR के बाद आपको स्पेस देना है, सम के बाद स्पेस देंगे, 20 के बाद आपको स्पेस देना है। ठीक है, आप इस टाइप से राइट करेंगे तो आपका इसका सम आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट फन टाइम है, ये सब आपको कहाँ पर करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप इन MS लोगो, लोगों में बनानी है आपको। ये कंप्यूटर में मतलब ये प्रैक्टिकली वर्क है आपका, जो प्रैक्टिकली कराया जाएगा आपको। नेक्स्ट है आपका लेसन MS वर्ड 2010, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।